इसके लिए हमने कीमा सबसे पहले बनाना है। कीमा बनाने के लिए मैंने जो प्याज है 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने अच्छी तरह से उसको चॉप कर लिया और मैं इसको जिसमें मैंने कीमा बनाना है उसमें डाल दूँगी। कीमा जो है 1/2 किलो से थोड़ा सा कम है, यानी कि 400 ग्राम। प्याज जो है मैंने पैन में डाल दिया और इसमें मैंने कोई पानी कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला और साथ ही मैंने इसमें कीमा डाल दिया। कीमा जो है आप ये मैंने बीफ का कीमा लिया है और साथ ही इसमें मैंने लहसुन अदरक चॉप किया हुआ डाल दिया। मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट नहीं डाली, मैंने चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाला है। अब हमने इसमें फ़ौरन से मसाले डाल देने हैं। मसालों में मैंने 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून मैंने ली है हल्दी और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएगा। इसमें हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन बिल्कुल 1/2 टीस्पून से बहुत थोड़ी आपने इसमें डालनी है और ये मस्त डालनी है। और अब इसमें नमक डाल दीजिए। नमक 1/2 चाय के चम्मच मैंने डाला है और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने इसको हल्की आंच में आपने रख छोड़ना है और इसका पानी हमने ड्राई करना है। आपने कोई भी इसमें एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डालना। आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा है और मुझे ये भी इसका ड्राई चाहिए ताकि हमारी जो कचौरियाँ हैं वो अच्छी सी बने। और अब जब पानी मुझे लगा कि ये ड्राई हो रहा है और कीमा भी मेरा अच्छा सा पक गया था तो मैंने इसमें ऑयल डाला। ऑयल जो है मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल जो है आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कचौरी में वैसे भी हमने डीप फ्राई करना होता है, तो मैं इसलिए ऑयल वैसे भी कम ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छा सा भूना और लास्ट में मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी। इसको अच्छा सा मिक्स किया और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। और अच्छा सा मिक्स करने के बाद हमारा कीमा हो गया है रेडी कचौरी के लिए। अब हमने कचौरी की डो बनानी है, तो कचौरी की डो बनाने के लिए 2 कप मैदा ले लीजिए। 2 कप मैदा लेने के बाद हम इसमें डालेंगे है नमक 1/2 चाय के चम्मच और जो घी है मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट किया है और ये 1/2 कप के बराबर घी है, यानी कि 4 टेबलस्पून। और इसमें पानी मैंने 1/2 कप डाल दिया। अगर मुझे पानी की और ज़रूरत पड़ेगी गूंदते हुए तो मैं और डाल दूँगी। हमने इसको अच्छा सा गूंद लेना है और बिल्कुल आपने जो आटा है ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए। और दूसरी तरफ मैंने घी को मेल्ट कर लिया। 1/2 कप के बराबर घी है और हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। आपने बेकिंग सोडा नहीं लेना, आपने बेकिंग पाउडर लेना है 1 टीस्पून। और 3 खाने के चमचे आपने भर के इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर। आपने जो घी है वो बिल्कुल मेल्टेड घी लेना है। आपने नॉर्मल जो घी को थोड़ा सा आप लोग मेल्ट कर लीजिएगा और इसको अच्छा सा आप मिक्स कर लें। अच्छा सा जब ये बिल्कुल कॉर्नफ्लावर इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे आटा भी मेरा अच्छी तरह से हो गया था। 10 मिनट में इसको अच्छा सा टाइम मिल गया था और अब हमने आटे के छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। मेरे ये 2 कप आटा से 1 कप मैदा लिया था और 1 कप मैंने नॉर्मल आटा लिया था जो घर में जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो इससे हमारी जो कचौरियाँ हैं मेरी जो कचौरियाँ हैं वो 6 अदद बनी थी। और इसका आप छोटे छोटे से बॉल्स बना के आपने इसको बेलना है। कचौरी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा टाइम लेती है। आप अगर आपके पास टाइम अगर ज़्यादा नहीं होता क्योंकि
उसके साथ साथ हमने कचौरी बनाते हैं, हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं बनाने के लिए। तो आप क्या करना कि आप लोग रात को अगर कीमा बना लें और सुबह आप लोग ये जो डो है आप ये बनाएं, तो आपकी जल्दी कचौरी बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने घी और कॉर्नफ्लोर का जो हमने मिक्सचर बनाया था बेकिंग पाउडर का, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। रीज़न सिर्फ यही था कि इसको मैंने अच्छा सा मिक्स करना था और इसको फ्रिज में रख के इसका ये लुक आनी चाहिए जो कि अभी आप देख सकते हैं। ये काफ़ी एक गाढ़ी सी पेस्ट बन गई है, एक थिक सी पेस्ट बन गई है। और अब हम इसको मैं एक्चुअली हाथ से ही लगा रही हूँ, हाथ से ये ज़्यादा इजी लग जाता है। और बस इसी तरह मैंने पेस्ट इसकी लगा ली थी घी की और कॉर्नफ्लोर की और बेकिंग पाउडर की, तो फिर मैं अब इसको बंद कर रही हूँ। और आप लोग भी ऐसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो कचौरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी और बहुत ही हल्की, खाने में भी बहुत लाइट वेट होगी। और इसको 5 मिनट के लिए रख छोड़ दीजिए। और 5 मिनट के बाद हमने अगेन इसको करना है, और दोबारा आपने इसको हाथ से ही बड़ा कर लीजिएगा इसको नॉर्मल, ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो गई हैं क्योंकि इसमें हमने घी वगैरह डाला था। तो इसको मैंने दोबारा से उसी शेप में दोबारा से मैंने इसको बंद कर दिया। और ये बस हमारी ये हो गई है रेडी। और अब हम इसमें जो कीमे की फिलिंग है वो करेंगे। पहले मैंने इसको थोड़ा सा इसकी शेप को सही कर दिया था क्योंकि वो थोड़ी सी स्क्वायर में थी, और अब इसको मैंने गोल शेप में करके अब इसको हमने बेलना है। पतली सी इसकी आप रोटी की शेप आप दे दीजिए। और फिर हम इसमें कीमा भरेंगे। कीमा आप यकीन करें ये इतना अच्छा बना है, आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। कचौरी के लिए ये बेस्ट कीमा है। इसका एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और आपने इसको यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बंद करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे बंद कर रही हूँ, बल्कि मेरा यहाँ पर थोड़ा सा खुल गया था, मैंने इसको पकड़ा नहीं था वहाँ से। तो आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा और इसको चारों तरफ से आपने इसको पहले अच्छी तरह से इसके सारे जो चार कॉर्नर हैं आपने अच्छी तरह से इसको बंद करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे तो फिर आपने इन चारों कॉर्नर को आपस में मिला देना है। और आप जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो कचौरी है ना वो कभी भी खुलेगी नहीं ऑयल में, क्योंकि जब कचौरी ऑयल में खुल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो ऑयल में कीमा आ जाता है, ऑयल ख़राब हो जाता है, और दूसरा कीमे में कचौरी में ऑयल चला जाता है जिससे आपकी कचौरी बहुत हैवी हो जाती है। मैंने इसी तरह सारी देख सकते हैं आप कचौरी बना ली थी, और अब मैं कचौरी को फ्राई करने वाली थी और ऑयल मेरा बिल्कुल गर्म हो गया था, और मैंने जो कचौरी है उसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। और याद रहे कि आपने ऑयल को तेज़ नहीं करना, बस आपने इतना इसको गर्म करना है कि आपकी कह लें कि आपने बस इसको मीडियम हीट पे आपने इसको ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम होना चाहिए। आपने इसको तेज़ गर्म नहीं करना, आपने बिल्कुल मीडियम आंच में इसको पकाना है। और आप देख सकते हैं कचौरी का कलर और कचौरी बिल्कुल भी ओपन नहीं हुई। और आप लोग जब कचौरी बनाएंगे तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बंद करना है। और इसी तरह मैंने सारी कचौरी बना ली थी, और आप यकीन करें कचौरियाँ मेरी इतनी अच्छी बनी थी। और ये मेरी रेसिपी बहुत आपको पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल लाइट वेट है खाने में, कोई भी हैवी नहीं है ये कचौरी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितनी देखने में भी कितनी ये खस्ता लग रही है। और उम्मीद है आपको मेरी ये जो कचौरी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।